राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह ने की बड़ी बैठक। बैठक में जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की ली जानकारी। गृहमंत्री के साथ बैठक में सुरक्षा एजेंसी, अर्धसैनिक बलों, राज्यों के पुलिस प्रमुखों और सेना के बड़े अधिकारी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के DGP भी बैठक में रहे मौजूद। गृहमंत्री ने आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से मजबूती से निपटने के तरीकों पर भी चर्चा की। सभी एजेंसियों के बीच बेहतर सामंजस्य के साथ काम करने की जरूरत बताया। आतंकी वारदातों के बाद जम्मू के दो दिन के दौरे पर पहुंचे आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे LOC के पास फॉरवर्ड लोकेशन का दौरा करेंगे। सुरक्षा हालात की करेंगे समीक्षा। बिहार सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से की मांग। मजदूरों की हत्या में शामिल आतंकवादियों को पकड़ने के लिए बनाएं स्पेशल टीम। बिहार के DGP ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और DGP से की बात। मजदूरों को सुरक्षा देने को कहा। बिहार के DPCM तारकिशोर ने भारत बनाम पाकिस्तान मैच को रोकने की मांग की। कहा इससे मैसेज जाएगा कि भारत आतंकवाद का समर्थन करने वालों के साथ नहीं। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा आतंकी डर पैदा करना चाहते हैं ताकि लोग कश्मीर छोड़ दें। बिहार के पूर्व CM जीतन राम मांझी की PM मोदी से मांग। कहा बिहारियों को सौंप दे कश्मीर, 15 दिन में सुधार देंगे। LGP कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में मारे गए मजदूरों के लिए किया प्रदर्शन। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का बयान। जम्मू कश्मीर में आम लोगों की हत्याओं का तालिबान राज्य से है लिंक। कांग्रेस नेता अधीर रंजन का केंद्र से सवाल। कहा था 370 हटने के बाद कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग पर बोले संजय राउत। जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में देश को सच बताएं गृहमंत्री या रक्षा मंत्री। बीजेपी का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग रखना चाहती है कांग्रेस। बांग्लादेश में थम नहीं रहा हिंदुओं के खिलाफ हिंसक वारदातें। उपद्रवियों ने हिंदुओं के 66 घरों में तोड़फोड़ की, 20 घरों को आग के हवाले किया। बांग्लादेश में रविवार रात ढाका से 255 किलोमीटर दूर हुई हिंसक वारदात कथित ईश निंदा वाले मीडिया पोस्ट को लेकर सैकड़ों लोगों ने हिंदुओं के घर पर किया हमला। सांप्रदायिक हिंसा पर बोले बांग्लादेश के गृहमंत्री, देश के सामाजिक सौहार्द को किसी भी कीमत पर बचाना है। अमेरिका ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की निंदा की। कहा सभी समुदायों को सुरक्षित महसूस करने और अपने त्योहार मनाने का हक होना चाहिए। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ पर भड़की बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा का मुद्दा गरमाया। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त से की मुलाकात। बांग्लादेश में दुर्गा पंडाल में हमले पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा माँ दुर्गा की मूर्तियों का अपमान बंगाली समुदाय पर हमले के समान है। बांग्लादेश की घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद आज करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिंसा को लेकर जताएगी विरोध। बुधवार को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जाएंगे PM मोदी। कुशीनगर एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री कुशीनगर के बौद्ध मंदिर में करेंगे दर्शन। बौद्ध भिक्षुओं के एक समूह से करेंगे बात। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कोलंबो से 125 गणमान्य व्यक्तियों और बौद्ध भिक्षुओं को लेकर कुशीनगर हवाई अड्डे पर उतारेंगे प्लेन। आज बस्ती और कुशीनगर के दौरे पर जाएंगे उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ। PM मोदी के दौरे की तैयारियों का भी लेंगे जायजा। आज लखनऊ में खादी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे CM योगी। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हो रहा है आयोजन। दिल्ली में नेवी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। नेवी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन। हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा में भारतीय नौसेना का रोल काफी अहम। अरुणाचल प्रदेश के रूपा इलाके में भारतीय आर्मी के ड्रिल, पहाड़ों पर खड़ी चढ़ाई की प्रैक्टिस की। ड्रिल में भारतीय जाबाजों ने दिखाया अद्भुत शौर्य। पहाड़ों के बीच रस्सी से दूरी तय करने की ड्रिल की। गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने किया फ्लाई पास्ट। 1971 की जंग में जीत के 50 साल पूरे होने पर शानदार जश्न मनाया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमृत महोत्सव का किया उद्घाटन। कहा भारत के महासागर किसी खजाने से कम नहीं। यरूशलेम के दौरे पर विदेश मंत्री SJ शंकर ने अमेरिका, इसराइल और UAE के विदेश मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया। किसानों के हित में केंद्र सरकार का बड़ा कदम। सरकार ने उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाकर 28,000 करोड़ की। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा इंटरनेशनल मार्केट में उर्वरकों के दाम बढ़े। PM ने MRP की जगह सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया। पूर्वोत्तर भारत के 6 नए हवाई मार्गों की सेवा शुरू। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जनरल VK सिंह ने उड़ान को दिखाई हरी झंडी। एयर इंडिया की बिक्री का IMF ने किया स्वागत। कहा डील महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगी। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान 2002 के गुजरात दंगे को आखिरी उथल पुथल बताया। मीनाक्षी लेखी ने 20 ईयर्स ऑफ मॉडिफिकेशन प्रोग्राम में गुजरात के विकास का किया जिक्र। कहा गुजरात ने देश में विकास का नया मॉडल पेश किया। CBSE ने जारी की बोर्ड परीक्षा पार्ट 1 की डेट शीट। 30 नवंबर से शुरू होगा 10वीं का टर्म एग्जाम। 11 दिसंबर को होंगे खत्म। 12वीं के एग्जाम 1 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेंगे। टर्म 1 एग्जाम ऑफलाइन होंगे। हर पेपर के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा। बोर्ड एग्जाम सुबह 11:30 पर शुरू होंगे। रीडिंग के लिए अलग से 20 मिनट मिलेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट के 5 नव नियुक्त जज ने ली शपथ। चीफ जस्टिस समेत सब जजों की कुल संख्या 27। जम्मू कश्मीर प्रशासन और दुबई सरकार के बीच MOU पर हस्ताक्षर। औद्योगिक पार्क, मेडिकल कॉलेज समेत कई चीजों को लेकर करार।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज फिर लखनऊ दौरे पर, विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस नेताओं के साथ करेंगी मंथन। प्रियंका गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी, लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित भी करेंगी। राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार को घेरा, कहा मोदी मित्रों का फायदा पहुंचाने के लिए लोगों को दे रहे हैं धोखा। प्रियंका का भी केंद्र पर तंज, कहा वादा किया था हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज से सफर करेंगे, अब सड़क पर सफर मुश्किल हुआ। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर किया हमला, कहा धीरे धीरे निरंकुश हो रही है सरकार। कांग्रेस ने वाराणसी में पीएम मोदी की रैली स्थल पर किसानों की फसल बर्बाद होने का मुद्दा उठाया, प्रशासन ने कहा पकी हुई फसल की हो चुकी है कटाई, 25 अक्टूबर को है पीएम का दौरा। 2022 के चुनाव के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक, जय पांडा ने कहा 5 राज्यों में चुनाव के लिए बीजेपी तैयार। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक नितिन अग्रवाल बने यूपी विधानसभा के उपाध्यक्ष, 368 में से 304 वोट मिले। यूपी से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह के बागी तेवर, कांग्रेस के चुनाव बहिष्कार करने के बावजूद विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के चुनाव में डाला वोट। विधानसभा उपाध्यक्ष पद की जीत को लेकर सीएम योगी का एसपी पर निशाना, कहा 2022 का चुनाव और ठीक से समझा देगा। यूपी असेंबली के गेट पर कांग्रेस विधायकों का बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का मांगा इस्तीफा। बढ़ती गैस की कीमतों पर लखनऊ विधानसभा के बाहर एसपी का प्रदर्शन, गैस सिलेंडर पोस्टर के साथ उड़ाए काले गुब्बारे। तेल की बढ़ती कीमतों पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा पेट्रोल पंप बीजेपी के लिए पैसों के पंप बने। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर तंज, कहा विरोधियों का नारा खुद का साथ खुद का विकास। आज 3 दिन के अयोध्या दौरे पर पहुंचेंगे आरएसएस प्रमुख, मोहन भागवत संघ के अखिल भारतीय शारीरिक वर्ग कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। पहली बार नागपुर से बाहर हो रहा है शारीरिक शिक्षा वर्ग कार्यक्रम, सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले और भैया जी जोशी होंगे शामिल। अयोध्या में धार्मिक सुबह का आयोजन परमहंस रामदास सेवा संस्थान ट्रस्ट ने आयोजित किया, 3 दिवसीय कार्यक्रम, अयोध्या में मंदिर निर्माण का हुआ जिक्र। ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा यूपी की जेल में बंद मजलूमों की बात करूंगा, उनकी नहीं जिनके पिता रसूखदार हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने आज उत्तर दिनाजपुर बंद का ऐलान किया, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता मिथुन घोष की हत्या के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मिथुन घोष की हत्या के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया, कहा समय आने पर होगी कार्रवाई। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष का हमला, कहा चुनाव में टीएमसी के खिलाफ वोट दिलाने वाले बीजेपी के नेताओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी के आरोपों को नकारा, टीएमसी महासचिव कुणाल घोष ने कहा पुलिस कर रही है जांच। बीजेपी नेता मिथुन घोष की रविवार रात गोली मारकर की गई थी हत्या, पुलिस ने कहा हत्या का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। रायगंज पुलिस ने मिथुन घोष हत्याकांड के एक आरोपी को गिरफ्तार किया, 2 आरोपियों की तलाश जारी। सिद्धू विवाद पर बोले सीएम चन्नी, कहा सभी मामलों को सुलझा लिया जाएगा, पार्टी एजेंडे को लागू किया जाएगा। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ने का एक बार फिर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने विरोध किया, कहा मोदी सरकार का अलोकतांत्रिक और संघीय विरोधी फैसला। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू ने किया विरोध, कहा फैसले से पहले राज्य से होनी चाहिए थी बात। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल का बीजेपी पर हमला, कहा महाराष्ट्र में सरकार अस्थिर करने के लिए रेडी हो रहे हैं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने संत समाज के साधुओं से की मुलाकात, दिसंबर में अयोध्या जाने की दी जानकारी। चिराग पासवान ने बिहार के कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर रैली की, कुशेश्वर मंदिर में भी मत्था टेका। बीजेपी प्रवक्ता किरीट सुमैया का महाराष्ट्र सरकार पर वार, कहा सूबे में घोटाले बाजों की सरकार, 2 दर्जन घोटाले हो चुके हैं उजागर। इंडिया टीवी से बोले राकेश टिकैत, किसान आंदोलन में अभी पूरी ताकत नहीं झोंकी, सरकार जिद पर अड़ी, किसान सिर्फ 3 कानून वापस चाहते हैं। राकेश टिकैत ने कहा लखीमपुर मुद्दा चुनाव के लिए नहीं उठाया, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी हो। राकेश टिकैत ने सिंघू बॉर्डर पर हुई हत्या को बताया षड्यंत्र, पूछा सिंघू बॉर्डर पर इंटेलिजेंस के लोग क्या कर रहे थे। किसानों के रेल रोको आंदोलन का पंजाब और हरियाणा में दिखा असर, सोमवार को करीब 50 ट्रेनों की आवाजाही में हुई दिक्कत। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर देश भर में प्रदर्शन हुआ, हरियाणा के झज्जर में किसानों ने रेल रोकी। हरियाणा के अम्बाला में किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया, संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थन में प्रदर्शन। आसनसोल में प्रोग्रेसिव किसान फ्रंट ने किया रेल रोको आंदोलन, लखीमपुर हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया। भुवनेश्वर में संयुक्त किसान मोर्चा का रेल रोको अभियान, लखीमपुर खीरी मामले को लेकर जताया विरोध। भुवनेश्वर में बीजेपी में शामिल हुई राजनीतिक दल के नेता, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया स्वागत। भोपाल में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कांग्रेस की महिला विंग का प्रदर्शन, नर्मदा परिक्रमा को लेकर दिए बयान का विरोध। पणजी में बढ़ती महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया। यूपी विधानसभा के पूर्व स्पीकर सुखदेव राजभर का निधन, आजमगढ़ के दीदारगंज से विधायक थे राजभर, सीएम योगी के निधन पर जताया शोक।
भोपाल में जबरन लड़की का बुर्का उतारने के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने खुद संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया। भोपाल में सरेआम हिंदू लड़की से जबरन उतरवाया गया था बुर्का, नकाब पहनकर कौम को बदनाम करने की दी थी हिदायत। दिल्ली के किशनगढ़ में एक फॉर्च्यूनर पर फायरिंग, ड्राइवर को लगी गोली, जख्मी हालत में ड्राइवर अस्पताल में भर्ती। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में सवार सोमराज उर्फ धामी पहलवान को मारने आए थे हमलावर। हत्या के मामले में आरोपी है धामी पहलवान। रंजीत मर्डर केस में राम रहीम को आजीवन कारावास की सजा, चार और दोषियों को भी उम्र कैद की सजा। पंचकुला सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम पर 31 लाख का जुर्माना भी लगाया, बाकी दोषियों पर 50-50 हजार का फाइन। यूपी के शाहजहांपुर में कोर्ट परिसर में एक वकील की गोली मारकर हत्या, शव के पास से एक तमंचा भी बरामद। शाहजहांपुर हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, लॉ एंड ऑर्डर एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा आरोपी ने अपना जुर्म कबूला। शाहजहांपुर मामले पर मायावती का ट्वीट, कहा दिन दहाड़े वकील की हत्या बेहद शर्मनाक। प्रियंका गांधी का हमला, कहा सीएम दावा करते हैं गुंडे बदमाश प्रदेश छोड़कर चले गए, यहां तो कोर्ट में घुसकर वकील की हत्या कर दी। महंत नरेंद्र गिरी सुसाइड केस में सीबीआई को बड़ा झटका, आनंद गिरी समेत तीनों आरोपियों के पॉलीग्राफी टेस्ट की अर्जी खारिज की गई। लखीमपुर हिंसा में क्राइम ब्रांच ने सुबह जायसवाल को गिरफ्तार किया, शिशुपाल नंदन सिंह बिष्ट और सत्य प्रकाश त्रिपाठी भी पकड़े गए। नशा कारोबारियों के खिलाफ मथुरा पुलिस का अभियान, 1.5 किलो गांजे के साथ 4 गिरफ्तार, अवैध शराब भी जब्त की गई। गाजियाबाद पुलिस ने भोजपुर से 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया, अवैध हथियार बरामद। यूपी के मुरादाबाद में एक रिटायर्ड एयरफोर्स के जवान की हत्या, अज्ञात शख्स ने जहरीला इंजेक्शन लगाया, तफ्तीश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक शख्स की ट्रैक्टर से कुचलकर मौत, गुस्साए घर वालों ने दोषी को सजा देने की मांग की। आर्यन खान ड्रग्स मामले में मुख्य गवाह किरण गोसावी के खिलाफ पालघर में केस दर्ज, गोसावी पर नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक पुलिस कांस्टेबल ने एसपी पर लगाया हमला करने का आरोप, पीड़ित कांस्टेबल अस्पताल में भर्ती, एसपी की कार का ड्राइवर है पीड़ित कांस्टेबल, सीएम भूपेश बघेल ने दिए जांच के आदेश। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने अवैध हथियार के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार, धनबाद से कोलकाता लाए जा रहे थे हथियार। उत्तराखंड में कई इलाकों में आज भी बारिश का अलर्ट, पौड़ी में 3 मजदूरों समेत राज्य में 5 लोगों की मौत, 2 जख्मी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने डिजास्टर मैनेजमेंट टीम से की मुलाकात, राज्य के 12 जिलों में बारिश के अलर्ट के बाद से लगातार हालात की समीक्षा कर रही हैं धामी। बद्रीनाथ में भारी बारिश के बाद बर्फबारी, मौसम विभाग ने तेज बारिश की आशंका जाहिर की। बारिश के बाद गंगोत्री में भारी बर्फबारी, चारों तरफ विश्व बर्फ की चादर, गिरा तापमान। रुद्रप्रयाग के डीएम ने दी जानकारी, केदारनाथ के दर्शन करने आए 2000 श्रद्धालु सुरक्षित स्थान पर। बद्रीनाथ में कार अचानक आई बाढ़ की चपेट में, रेस्क्यू टीम ने कार में सवार सभी लोगों को बचाया। रुद्रप्रयाग के जंगल में चट्टी इलाके में लैंडस्लाइड, एसडीआरएफ ने श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया। चमोली में बढ़ा नंदाकिनी नदी का लेवल, पहाड़ों में जोरदार बारिश के बाद नदी में आया मलबा। उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत का बयान, सभी अधिकारियों को अलर्ट पर कर दिया गया है, किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए भी तैयार है। लेमी सीजन की पहली बर्फबारी, सड़कें और पहाड़ बर्फ से कटे। केरल में बारिश और लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या 38 तक पहुंची, 10 डैम को लेकर रेड अलर्ट जारी। सबरीमाला मंदिर में 21 अक्टूबर तक श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक, केरल में बाढ़ बारिश की वजह से फैसला। केरल के आलापूजा में दुल्हा दुल्हन खाना बनाने वाले बर्तन में बैठकर पहुंचे मंदिर, बाढ़ के चलते गाड़ियों की आवाजाही बंद। दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 61 साल का रिकॉर्ड, 1960 के बाद अक्टूबर में नहीं हुई थी इस साल जैसी बारिश। बारिश के बाद उत्तर प्रदेश का मेरठ भी हुआ पानी पानी, अमर जवान ज्योति स्थल पानी से हुआ लबालब। मध्य प्रदेश में कार दुर्घटना में घायल हुए कंप्यूटर बाबा, घटना को बताई साजिश, जांच की मांग की। खंडवा उपचुनाव से पहले पूर्व सीएम कमलनाथ की रैली में जा रहे थे कंप्यूटर बाबा, इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे पर ट्रक से टकराई कार, आई मामूली चोट। हादसे के बाद कंप्यूटर बाबा का बढ़ा बीपी, सड़क पर ही लेट गए, हादसे में घायल ड्राइवर को भेजा गया अस्पताल। रामलीला मंचन के दौरान फुहड़ हरकत करने और वीडियो वायरल होने के मामले में दिल्ली एम्स ने सभी संगठनों को चेतावनी दी, कहा सोशल मीडिया से दूरी बनाए नहीं तो होगी कार्रवाई। दिल्ली एम्स के नर्स और कर्मचारी यूनियन ने एम्स प्रशासन के खिलाफ निकाला मार्च, समान पद पर समान वेतन की मांग। इस साल दिल्ली में डेंगू से पहली मौत, अब तक प्रदेश में डेंगू के कुल 723 मामले। दिल्ली सरकार ने रोजगार बाजार 2.0 के लिए टेंडर जारी किया, मनीष सिसोदिया ने कहा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगा बाजार। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की। भारतीय किसान यूनियन ने नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ दिया धरना, अतिरिक्त मुआवजा और रोजगार जैसे कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र के कल्याण में आरपीएफ के जवान ने बचाई 2 लोगों की जान, चलती ट्रेन की चपेट में आने से बचाया। अगरतला में बारिश की वजह से मूर्ति विक्रेता का रोजगार प्रभावित, काफी कम बिक रही है माँ लक्ष्मी की मूर्तियाँ। आज है ईद मिलाद उन नबी, आज ही के दिन पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म और इसी दिन उनका इंतकाल भी हुआ था। हैदराबाद में मुस्लिम समुदाय ने
मिलाद उन नबी को किया सेलिब्रेट, पैगंबर मोहम्मद साहब को किया याद। मिलाद उन नबी पर हैदराबाद हुआ गुलजार, रोशनी से जगमगाया पूरा शहर। अगरतला में निकाला गया साइलेंट कैंडल मार्च, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अटैक के खिलाफ निकाला गया मार्च। सीआईएसएफ ने निकाली साइकिल रैली, तिरुवनंतपुरम से गुजरात के केवड़िया तक जाएगी साइकिल रैली। नासिक में पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने काबू में किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में डिग्री कॉलेज को किया गया अपग्रेड, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ लैस किया गया। आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ रुपए का लगाया फाइन, नियमों के उल्लंघन का आरोप। भारत और इसराइल में वैक्सीन सर्टिफिकेट पर बनी सहमति, इसराइल दौरे पर है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। देश में अब तक वैक्सीन के 98,59,00,000 डोज दी गई, केंद्र सरकार ने दी जानकारी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 102 करोड़ से ज्यादा एंटी कोविड वैक्सीन की डोज मुहैया कराई गई। देश में कोरोना के 12,336 नए केस, 24 घंटे में 164 लोगों की गई जान। देश में कुल 1,76,000 एक्टिव केस। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 6,676 लोग संक्रमित, 60 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,485 नए केस, 24 घंटे में 27 मरीजों ने तोड़ा दम। कोविड टास्क फोर्स के साथ सीएम उद्धव ठाकरे ने बैठक की, बच्चों के वैक्सीनेशन, रेस्टोरेंट के खोलने की वक्त को भी बढ़ाने पर बात की गई। 22 अक्टूबर से महाराष्ट्र में खुलेंगे थिएटर, सिनेमा घर, सीएम ठाकरे ने फायर सेफ्टी समेत जरूरी नियमों को ध्यान में रखने की सलाह दी। महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर से अम्यूजमेंट पार्क भी खुलेंगे, सीएम उद्धव ठाकरे की कोविड टास्क फोर्स की बैठक में फैसला। उद्धव ठाकरे ने ट्रांसपोर्टर्स को मदद का दिया भरोसा, कहा कोरोना से बहुत प्रभावित हुए हैं ट्रांसपोर्टर। ओडिशा में कोरोना के 340 नए मामले सामने आए, बीते 24 घंटे में 5 संक्रमितों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 15 नए मरीज मिले, राज्य में कोरोना के 298 एक्टिव मामले। गोवा में खुले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, कोरोना नियमों का पालन अनिवार्य है। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई का बयान, क्लास 1 से 5 तक को खोलने का जल्द होगा ऐलान। सिक्किम में केजी से क्लास 8 तक के स्कूल खुले, कोविड नियमों का पालन जरूरी। ईद मिलाद उन नबी को लेकर गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, अब 400 लोग हो सकते हैं इकट्ठा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में किड्स वैक्सीनेशन सेंटर बनकर तैयार, बच्चों के खेलने की भी है व्यवस्था। देहरादून में लगाया गया मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव, जिला अधिकारी की सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील। देहरादून में 2 नवंबर तक चलेगा कोविड वैक्सीनेशन मेला, वैक्सीन लेने दूर दूर से पहुंच रहे हैं लोग। IMF की भारत को सलाह, कोरोना से जंग में सही नीतियों पर लगातार काम करते रहना होगा, वैक्सीन है महत्वपूर्ण हथियार। कुवैत में एक तेल रिफाइनरी में लगी भीषण आग, कुछ मजदूरों को धुएं से हुई परेशानी। स्थानीय लोगों ने सुनी धमाके की आवाज, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। यमन में शित्ते विद्रोहियों और सुरक्षा बलों के बीच जंग, सामने आई तस्वीरें। विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में सुरक्षा बलों के काउंटर ऑपरेशन के बाद छिड़ी जंग, दोनों ओर से जमकर फायरिंग। पाकिस्तान के क्वेटा में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के पास धमाका, एक शख्स की मौत, 15 से ज्यादा लोग जख्मी। थाईलैंड में हुई भारी बारिश के बाद डैम से छोड़े गए पानी का कहर, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ से 38,000 से ज्यादा लोग हुए प्रभावित, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 10 दिन बारिश की आशंका। स्पेन के ला पाल्मा में ज्वालामुखी से रह रहकर निकल रहा है लावा, सामने आई हैरान करने वाली तस्वीरें। ज्वालामुखी से निकल रहे लावा से अब तक 1800 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा, करीब 85,000 लोगों को दूसरी जगह भेजा गया। इटली में सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग, कोरोना को लेकर हेल्थ पास जरूरी किए जाने का विरोध। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। पुर्तगाल में पुलिस ने चलाया बड़ा ऑपरेशन, समंदर से 5 मीट्रिक टन कोकीन जब्त। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, अधिकारियों ने इंटरनेशनल ड्रग्स गैंग के तार जुड़े होने का शक जताया। लीबिया में कोस्ट गार्ड ने समंदर से 80 प्रवासियों का किया रेस्क्यू, सभी को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। ICC T20 वर्ल्ड कप में पहले प्रैक्टिस मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया, इंग्लैंड के 189 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने KL राहुल और ईशान किशन की तूफानी पारी के दम पर यह मैच अपने नाम किया। राहुल ने 24 गेंद में 51 रन बनाए, ईशान किशन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक पूरा किया, 46 गेंद में 70 रन बनाकर नापाद रहे। इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो ने 49 रन बनाए, मोइन अली ने 43 रन बनाए और इसी के बदौलत इंग्लैंड का स्कोर 188 तक पहुंचा। आयरलैंड के तेज गेंदबाज कर्टिस कैम्फर ने नीदरलैंड्स के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के मैच में रचा इतिहास, 4 गेंद में 4 विकेट झटके। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने जीत के साथ किया टूर्नामेंट का आगाज, नामबिया को 7 विकेट से हराया। नामीबिया को 96 रन पर आउट करने के बाद श्रीलंका ने 13.3 ओवर में 100 रन बनाकर जीत दर्ज की, मैन ऑफ द मैच थिक्षिकना ने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट झटके। दक्षिण अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस मैच में अफगानिस्तान पर 41 रन की जीत दर्ज की, 145 रन बनाने के बाद अफगानिस्तान को 104 पर ही रोका। रॉजर फेडरर को ATP टेनिस रैंकिंग में बड़ा झटका, नीचे खिसककर 11वें पायदान पर पहुंचे। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने शिखर धवन की बल्लेबाजी की नकल उतारी, सोशल मीडिया पर फैंस ने तारीफ की।
एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने सोशल मीडिया पर पति विराट कोहली और बेटी की तस्वीर शेयर की। बेटी के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं विराट कोहली। भारत पाकिस्तान मैच के चलते सानिया मिर्जा ने सोशल मीडिया से बनाई दूरी। लिखा, मैच वाले दिन सोशल मीडिया और टॉक्सिसिटी से गायब रहूंगी। यरूशलम दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर के स्वागत में एक नेत्रहीन लड़की ने गाया हिंदी गाना। गाना सुनकर खुश हुए जयशंकर, लड़की की तारीफ की। कनाडा में एक दंपति ने अपने ड्रीम हाउस को बोट के जरिए किया शिफ्ट। ख्वाहिश के मुताबिक नहीं था घर की लोकेशन। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में 84 साल की पूर्व पायलट महिला ने उड़ाया विमान। ख्वाहिश पूरा करने के लिए बेटे ने एक पायलट से किया संपर्क। अभिनेता अनुपम खेर ने नेपाल से शेयर किया वीडियो। ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं अनुपम खेर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।